आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक ऐलान किया है कि मुल्क के गरीबों को 72,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, उस पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज साहब, MMC न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत खैर मुकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज साहब, क्या ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये सही है कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये ऐलान किया है, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि 72,000 रुपये सालाना लोगों को दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं मुल्क में, 20% फैमिलियों को दिया जाएगा, तो हम क्या सभी इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं? आम तौर से होता यह है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन कल जैसे ही राहुल गांधी ने ये ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो कौमी सियासत में एक तरीके से हलचल मच गई और जो माहिर सियासतदान हैं और माहिरीन इक्तसादियात हैं वो दोनों कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा युसरा साहिबा, ये इसलिए भी लगता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है क्योंकि जिस तरीके से मरकजी वजीर ख़जाना अरुण जेटली सामने आए और उन्होंने तमाम स्कीमों के बारे में बताना शुरू किया और मैं पहले से दे रहा था और ये वो, तो इससे भी लगता है कि राहुल गांधी ने वाकई बड़ा ऐलान किया। अगर गवर्नमेंट इससे परेशान न होती इस ऐलान से तो फिर ये समझा जाता कि यूं ही है, लेकिन राहुल गांधी ने ये ऐलान करके मोदी हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया है। अच्छा, ये ऐलान इसलिए भी शायद किया क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इंतखाबात होने थे तो उससे पहले राहुल गांधी ने कर्ज माफ़ी की बात की थी और छत्तीसगढ़ जहां पे एग्ज़िट पोल आया था कि यहां पे बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस फिर हार रही, लेकिन जो नतीजे आए वो ये आए थे कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की हुई थी और उसकी वजह यही थी कि हमने भी कई रिपोर्टें लिखी थी कि जब राहुल गांधी ने ऐलान किया कि किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे तो जो किसान थे वो अपने गल्ले जो है वो ले करके आढ़त पे नहीं गए, यानी बाज़ार में नहीं गए, वो घर में रखे रहे और इसलिए क्योंकि उनको लगा कि जब कर्ज़ माफ़ हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, वरना अगर आढ़त पे जाते तो जाहिर सी बात है वो जितना उनका अनाज होता, गल्ला होता, वो कर्ज़ में चला जाता। तो इसका बेनिफिट ये रहा कि किसानों ने खुल करके उठ दिया। फिर राहुल गांधी जिसका जिक्र बार बार अपनी रैलियों में करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि साहब मैंने देखिए वादा किया था आपसे कि 10 दिन में जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं कर्ज़ माफ़ करूंगा और मैंने माफ़ कर दिए, तो ये रैली में भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो वादे किए थे रोज़गार देंगे नहीं दिया, मोदी ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे वो नहीं दिया, मोदी ने कहा था कि हम किसानों को मिनिमम प्राइस देंगे, सपोर्ट प्राइस देंगे, वो नहीं दिया, 2 गुना नहीं किया, इसी तरीके से बहुत सारे 15 लाख रुपए जेब में डालेंगे वो नहीं किया, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वो गिनाते भी हैं और ये कहते हैं हमने जो किया, जो कहा वो किया। तो इसीलिए अब राहुल गांधी ने ये कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो मैं ऐलान कर रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है और मैं ये करके दिखाऊंगा। मुमताज साहब, क्या वाकई इसका इलेक्शन पर असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल युसरा साहिबा, इलेक्शन पे असर पड़ सकता है इसका और जिस तरीके से कल हमने बीजेपी को परेशान देखा, जिस तरीके से मोदी हुकूमत को परेशान देखा, तो अगर इसका असर न पड़ता होता तो फिर जाहिर सी बात है कि हुकूमत को परेशान नहीं होना चाहिए था, बीजेपी को भी परेशान नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसका असर इलेक्शन पर ज़रूर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए कोई भी शख्स हो उसको पैसे की ज़रूरत है, ख़ास तौर से वो तबका कि जो गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है, जिसके सामने रोज़ाना के चैलेंजेस हैं कि वो कैसे खाना खाए। देखिए हम ज़रूर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम ज़रूर ये कहें कि हम डिजिटल इंडिया हो गए, हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन युसरा साहिबा हकीकत ये है कि आप जा करके अभी भी गांव में देखिए, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां गरीब लोग रह रहे हैं, जहां पे उनके सामने एक वक्त का
खाना जुटा पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ऐसे में राहुल गांधी 20% ऐसी फैमिलियों को, जिनकी तादाद तकरीबन एक फैमिली में देखिए तकरीबन 5 फैमिली गवर्नमेंट मान के चलती है कि एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, इस तरीके से राहुल गांधी ने जोड़ करके बताया कि ये जो हम स्कीम लाने जा रहे हैं अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम जो है 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा देंगे। अब आप समझ सकती हैं, तो अगर 25 करोड़ लोगों के सामने ये एक बड़ा मसला हल होता है तो जाहिर है कि इसका इलेक्शन पे असर न पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता है, इसका इलेक्शन पे ज़रूर असर पड़ेगा। और इससे पहले आपने देखा होगा कि और इसका इन्होंने नाम रखा है न्याय, न्याय नाम रखा है, यानी नई योजना जो है इन्होंने, और इससे पहले उन्होंने कम से कम प्राइस की बात भी कही, वो कम से कम रोज़गार की बात भी कही थी, जिसमें नौजवानों के लिए ऐलान किया था कि हम जो है हर नौजवान को रोज़गार गारंटी योजना लेकर के आ रहे हैं, उनको देंगे। तो मेरे ख्याल से इसका इलेक्शन पे अच्छा खासा असर पड़ेगा। यूसरा साहिबा, मुमताज साहब 15 लाख की तरह ये सिर्फ जुमला तो नहीं है? देखिए मैं ये बात देखिए जो आप सवाल कर रही हैं ये शायद हर किसी के जहन में बात हो कि जिस तरीके से 2014 के इलेक्शन में वज़ीर आदम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया था कि हर शख्स की जेब में 15 लाख रुपए जाएंगे और लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की थी। तो अब जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हर मतलब गरीब की जेब में 72,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना, तो इसको लोग बड़े शक के निगाह देख रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके की डिबेट हुई है टीवी पर और जो माहिरीन इक्तसादियात हैं जो चीज़ों को समझते हैं उन्होंने ये कहा कि ये मुमकिन है 6,000 रुपये महीने किसी को दिए जा सकते हैं हिंदुस्तान की जेब से, यानी हिंदुस्तान इस लायक है कि वो अपने लोगों को जो गरीब हैं उनको 6,000 रुपये का महीना दे। और बहुत सारी उन्होंने इसकी गिनाई कि ये कैसे मुमकिन है। तो मेरे ख्याल से और राहुल गांधी ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम इसको हवा में नहीं करेंगे बल्कि पायलट प्रोजेक्ट होगा पहले, यानी जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो पायलट प्रोजेक्ट करेंगे और जब पायलट प्रोजेक्ट हमारा पास हो जाएगा उसके बाद हम स्कीम नाफिस करेंगे। तो यानी राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ, ये ऐलान कर रहा हूँ बड़ा, जिसको उन्होंने कहा कि ये ऐलान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ऐलान कभी नहीं हुआ, ऐसी पॉलिसी जो है वो कभी नाफिज नहीं हुई है। तो बार बार ये भी यकीन दहानी करा रहे हैं जो आप सवाल कर रही हैं कि कहीं जुमला तो नहीं है, कि हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि सही बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा कि मनरेगा जैसी स्कीम खुद कांग्रेस लेकर के आई थी और एक तरीके से गांव के लोगों के लिए वो बड़ा रोज़गार हो गया था, वहाँ पे 10-15 दिन लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलता था, उसमें प्रधान की बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी और प्रधान जो है वो मज़दूरों को तलाश करता था और कहीं तालाब बनाए जाते थे, कहीं कुछ होता था, कहीं सड़कें बनाई जा रही थी, तो इस तरीके का काम वहाँ पर चल रहा था। तो उसी किस्म की ये स्कीम है बल्कि उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो मेरे ख्याल से ये जुमला नहीं होगा बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत हद तक इस पर अमल भी हो सकता है। मुमताज साहब MNC न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MNC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। खुदा हाफिज़।